इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स बराबर कैसे होंगे इसके विषय में हम जानेंगे कि दो टू मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन, बी बी आई जे एम बाय एन इक्वल होंगे अगर वे सेम ऑर्डर के हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर जीरो, उसका एलिमेंट जो है वो भी बराबर रहना चाहिए। देखिए एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है 3 2 5 4, एक दूसरा मैट्रिक्स है ये भी 3 2 5 4, हम इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, हम उसे ए बराबर बी से डिनोटेट करेंगे, ए बराबर बी से डिनोटेट करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह भी 2 by 2 ऑर्डर का है और यह मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए भी 2 by 2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स बी भी 2 by 2 ऑर्डर का। तो पहला कंडीशन सेम ऑर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर जीरो, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट का, हर मैट्रिक्स ए का हर एक एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है, तो यह आपस में इक्वल मैट्रिक्स हुआ। अगर हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, अगर ए बराबर, अगर दो मैट्रिक्स हमें दे दे एक्स वाई जेड टी और यहाँ 8 9 2 4, हमें कहे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है और आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए, तो बहुत ही सिंपल है। देख रहे हैं कि एलएचएस में भी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, आरएचएस में भी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो हम बस कुछ एक्स बराबर 8, ये इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 9, जेड बराबर 2 एंड टी बराबर 4, हमें सबका वैल्यू निकल गया। इस तरह हम दो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे तो हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं।